मंडूक आसन के लिए नाभि की दोनों ओर मुट्ठियां लगा देते हैं। श्वास पहले एक बार अंदर भरते हैं, फिर बाहर छोड़ देते हैं। जब भी आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर छोड़ते हैं, पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर भरते हैं। ये श्वासों का विशेष नियम होता है योगाभ्यास में। जिनको हर्निया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उनको बलपूर्वक पीछे झुकने से मना करते हैं। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है, उनको आगे झुकने से मना करते हैं। कोई भी योगाभ्यास, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, बहुत अधिक कमजोरी, हड्डियां मांसपेशियां कमज़ोर हैं, संतुलन नहीं है पूरा, तो ज़ोर ज़बरदस्ती कोई अभ्यास नहीं करवाते, सहजतापूर्वक जितना बन पाए उतना करवाते। पेट के लिए और डायबिटीज़ के लिए अद्भुत है मंडूकासन। नाभि के दोनों ओर मुट्ठियाँ लगी हुई, देखो ऐसे पीछे से सटी हुई मुट्ठियाँ। अब ये जो मुट्ठियाँ हैं ये जंघाओं पर टिक जाएंगी। लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, आंतें, पूरा पेट अंदर दब गया। मुट्ठियाँ जंघाओं पर टिक गई, श्वास पूरा बाहर छोड़ दिया, छाती घुटनों से लग गई, गर्दन सीधी, पूरे झुक गए। आगे झुक करके गर्दन को सीधा रखते हैं ऐसे, ऐसे एक मिनट तक रुकना चाहिए तो पेट और डायबिटीज की समस्या में अद्भुत लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा, पूरा लाभ होगा, 100% बेनिफिट होगा। यह अलग बात है कि बॉडी और माइंड की टेंडेंसी, कंडीशन, प्रैक्टिस एक जैसी नहीं होती, इसलिए लाभ में थोड़ा बहुत अंतर होता है। फिर वापस आ जाते हैं। किसी के पेनक्रियाज की कंडीशन बहुत ख़राब है, किसी का पेनक्रियाज अभी मध्यम है, किसी को अभी डायबिटीज़ शुरू ही हुई है, तो इस आधार पर लाभ की मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा बॉडी की कंडीशन, पेनक्रियाज की, लीवर की, इंटेस्टाइन की, स्प्लीन की, स्टमक की कंडीशन, टेंडेंसी, बॉडी की टेंडेंसी भी होती है, माइंड की टेंडेंसी भी होती है, हमारे शरीर, इंद्रियों और मन के अभ्यास होते हैं, उससे हमारी प्रकृति निर्मित होती है, वात पित्त कफ की भी हमारी प्रकृति होती है, हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति सबकी एक जैसी नहीं होने से थोड़ा लाभ में अंतर दिखाई देगा, लेकिन लाभ होगा सब।